हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्वेता और आज का जो वीडियो है वो मेरी एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पर है। हर नेम इज इशालिया, सो शी रिक्वेस्टेड कि आप मेहंदी का एक ट्यूटोरियल करें, मतलब बालों में मेहंदी लगाने का ट्यूटोरियल करें, क्योंकि शी वांटेड टू सी लाइक कि कैसा प्रोडक्ट है आई थिंक। तो उसने रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज उसका ट्यूटोरियल बनाए, और मैनी टाइम्स शी रिक्वेस्टेड, तो मैंने सोचा आज हम वो करते हैं। तो इशालिया, दिस इज फॉर यू स्पेशली। सो शी वॉन्ट्स नेहा हर्बल का ये मेहंदी है, तो उसको इसी का ही ट्यूटोरियल चाहिए था। ट्यूटोरियल क्या मतलब रिव्यू काइंड ऑफ कि कैसा है और क्या है। तो मैंने ये नेहा का मेहंदी यूज किया है, विच इज नेहा हर्बल्स एंड विच इज इनरिच विद एलोवेरा, हिबिस्कस, ग्रीन टी। और इसको यूज करने से पहले मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें जो भी पीछे मेंशन है वो पढ़ लिए हैं। तो प्लीज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम लोग एक नॉर्मल कस्टमर्स होते हैं, हम ज्यादा रिसर्च नहीं करते हैं। जो भी यहाँ पीछे लिखा रहता है कैसे यूज करना चाहिए, दिस इज अ कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको प्रॉपरली अगर कुछ ऐसा है तो बताना चाहिए। तो जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं मैंने वैसे ही यूज किया है। मैंने इसको सो एज पर इंस्ट्रक्शंस मैंने लोहे की कढ़ाई में मेहंदी को गर्म पानी में इसको ऑलरेडी एक पेस्ट बनाकर रखा है। कल रात को मैंने ये पेस्ट बनाकर रखा था, अभी मैंने हल्का सा पानी डालकर इसको थोड़ा सा अच्छे से फॉर्म में ले आई हूँ। तो ये पेस्ट रेडी है। वैसे आई एम नॉट लाइक मोर कंफर्टेबल इन लाइक यूजिंग मेहंदी, क्योंकि बहुत मेसी हो जाता है और उसको बहुत देर तक रखना पड़ता है, बट दिस इज अ वेरी नेचुरल यू कैन से थिंग टू यूज ऑन योर हेयर्स। और लेकिन इसका जो कलर्स, जहां तक मुझे आइडिया है, मेहंदी के कलर्स थोड़े से ऑरेंजिश आते हैं, तो अगर आपको मतलब ब्लैक चाहिए या डार्क ब्राउन चाहिए तो दैट मेहंदी विल नॉट प्रोवाइड, बट आपको अगर नेचुरल उसमें जाना है देन यू कैन डेफिनेटली यूज इट। क्वांटिटी यहाँ पर 140 ग्राम लिखा हुआ है और इसका प्राइस है 50 रुपीज का। तो ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा, इवन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो छोटे मोटे स्टोर्स होते हैं वहां पर भी आपको ये नेहा का हर्बल मेहंदी मिल जाएगा। तो दिस इज वेरी इजी कि आपको जो इसका रीच है दैट यू कैन गेट फ्रॉम एनी वेयर। अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं ऑनलाइन लीजिए, आजू बाजू के स्टोर से लेना चाहते हैं तो आजू बाजू के स्टोर से लीजिए। यस, सो ये कलर है, आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस। मेरे जो मोस्टली लाइक ग्रे हेयर्स हैं आप देख सकते हैं वो आगे के साइड हैं, तो मैं मोस्टली वहीं पर ही अप्लाई करूंगी। हो सका तो थोड़ा बहुत लेंथ में यूज करूंगी, अदरवाइज मैं इसको, क्योंकि मेहंदी मेरे बालों को थोड़ा सा ड्राई कर देता है, तो मैं पूरी लेंथ में यूज नहीं करने वाली हूँ इसको। मैं अपने रूट्स में ही जहां जहां मुझे कंसर्न एरियाज हैं वहां पर मैं यूज करूंगी। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेहंदी यूज करने से सबसे पहले मैंने अपने बालों को बीच से पार्टीशन कर लिया, क्योंकि हमारे मोस्टली जो कंसर्न्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। और अगर आप कभी भी मेहंदी लगाएं तो सबसे पहले आपको बीच के पोर्शन में लगाना चाहिए, आगे यहाँ के पोर्शन में लगाना चाहिए, फिर धीरे धीरे यहाँ के पोर्शन में लगा के फिर बन। एज पर इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखा था कि आपको 3 से 4 घंटे इसको वार्म वाटर में किसी लोहे के बर्तन में डिप करके रखना है, बट मैंने थोड़ा ज्यादा डिप कर रखा, क्योंकि मुझे पता है कि जितना ज्यादा आप इसको रखते हैं लोहे के बर्तन में उतना ज्यादा अच्छा कलर आता है। जस्ट फॉर दैट मैंने इसको ज्यादा टाइम के लिए रखा। अभी मैंने बीच लेंथ में पूरा ये लगा लिया है। नाउ मैं इसको यहां पर आगे आगे अपने हेयर्स में लगा के फिर थोड़ा थोड़ा बीच में लगाऊंगी, जहां पे भी मेरे ग्रे हेयर्स हैं। अच्छी बात मेहंदी लगाने की ये होती है कि आपके बालों को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करता है, जो कि अगर आप कलर अप्लाई करते हैं जैसे मैं करती हूँ तो उससे काफी डैमेज होता है, हेयर फॉल होता है। मेहंदी से आपके बाल ड्राई थोड़े हो जाएंगे बट ज्यादा कंसर्न नहीं होता है। तो अगर आप लाइक यूज टू है मेहंदी लगाने के और आपको कलर से कोई इशू नहीं है तो दिस इज द सेफेस्ट ऑप्शन कि जो अपने ग्रे हेयर्स को कवर करने का होता है। साइड अभी मेरा लग चुके हैं सारी मेहंदी, अभी मैं इस साइड मेहंदी अप्लाई करने जा रही हूँ।
मेहंदी दोनों साइड लग गई है और स्टिल अभी काफ़ी मेहंदी बचती है, तो आई विल ट्राई टू यूटिलाइज दैट जो मेरे कंसर्न एरियाज हैं उन्हीं पे प्रॉपरली। तो मैं अभी थोड़ा सा बन बना के अपने बालों को फ्रंट से हटा दूंगी और थोड़ा सा जहाँ पर प्रॉपरली नहीं हुआ है वहाँ पर मैं ट्राई करती हूँ। द मेन कंसर्न विद मेहंदी कि वो बहुत मेसी होती है, इट्स नॉट दैट ईजी टू अप्लाई, हाथों के भी वो एकदम हो जाता है। और थोड़ा सा मैं पीछे भी, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे हल्के से ग्रे हेयर्स हैं, तो मैं वहाँ पे भी अप्लाई कर लेती हूँ। एक्चुअली इशारा वांटेड कि मैं बन भी बनाऊँ, तो मैं बन खुद पे मैं बन उतने इजीली नहीं बना पाती जो मेहंदी से करके प्रॉपर हेयर्स में करके बन बनाते हैं, बट दूसरों पे मैं कर लेती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली कोई दूसरा नहीं जिसपे मैं ये कर सकूँ। तो आई एम अप्लाइंग ऑन माई हेयर्स जितना पॉसिबल है। अभी भी मेहंदी काफ़ी बची है आप देख सकते हैं, लेकिन अभी मेरे बालों में तो पूरी तरीके से लग गई है। अब इससे ज़्यादा मैं थोपूंगी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल जाएगा, तो इतना ओके है। इसमें इंस्ट्रक्शंस में लिखा है कि जब आप मेहंदी लगा लें तो उसको 3 से 4 घंटे तक ऐसे ही छोड़ें, और जब ये सूख जाए तो इसको आपको धोना है। तो यस, अभी 3-4 घंटे वेट करते हैं और मैं आपको 3-4 घंटे बाद मिलती हूँ जब ये ड्राई हो जाएगा और जब मैं इसको धोऊंगी। अभी ये मेहंदी पूरी तरीके से सूख गई है, थोड़ा सा मैंने टचअप किया था क्योंकि आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि इसमें कुछ अभी भी लाइक ग्रे हेयर्स दिख रहे थे। आई होप यू कैन ऑल्सो सी लाइक लिटिल बिट हेयर, राइट हेयर। तो मैंने उसको थोड़ा सा टचअप दिया था, दैट्स वाई यहाँ पर थोड़ा सा अभी भी गीला है। मैं थोड़ी देर और वेट करूँगी टू कि ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली ड्राई हो जाए, फिर उसके बाद मैं धो लूँगी और आपको धुलने के बाद रिजल्ट्स के साथ मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, आई एम बैक। मैंने हेयर वॉश कर लिया है, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू रिंस प्रॉपर मेहंदी आपके बालों से निकाला। बहुत टाइम लगा मुझे आज नहाने में क्योंकि इतना मुश्किल हो रहा था, मेहंदी नहीं निकल रही थी। दिस इज़ नॉट एट ऑल अ हैसल फ्री एप्लीकेशन एज वेल एज कि उसको रिमूव करना। तो या बट विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आया है, वेदर इसने लाइक सही से किया है या नहीं किया है। आई होप उतना डिसअपॉइंट ना करे जितना मुझे खादी ने किया था। सो लेट्स सी। ओके, सो या रिजल्ट मतलब जो मेहंदी करती है उसने अपना ये काम पूरी तरीके से किया है। ऑब्वियसली मेहंदी का कलर ब्लैक नहीं होता है, ऑरेंज होता है, तो मेरे ग्रे हेयर जितने भी ग्रे हेयर्स थे वो सब अभी ऑरेंज हो गए हैं, कुछ नहीं हो पाए हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा ऑरेंज हो गया है, कुछ नहीं हो पाए, बट आई थिंक 80% हेयर्स मतलब हो चुके हैं, कलर हो चुके हैं जो मेहंदी का कलर होता है। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि वो ब्लैक करेगा क्योंकि मेहंदी ब्लैक नहीं होती है, तो वही कलर आया है और काफ़ी अच्छा कलर आया है। मतलब जिनको आई पर्सनली मैं थोड़ा ब्लैक या नेचुरल ब्राउन पर ही जाती हूँ, मुझे वो कलर अपने हेयर्स पे ज़्यादा सूट करता है, वो आर्टिफिशियल नहीं लगता है। ये थोड़ा आर्टिफिशियल लग जाता है, लगता है कि आपने कुछ अप्लाई किया है। सो या इसने अपना काम किया। सो व्हाट अबाउट द प्रोस एंड कॉन्स, लेट्स टॉक अबाउट दैट। प्रोस जो है वो इसका यही है कि इट्स वेरी चीप, इजी टू अवेलेबल, और अगर नेचुरल है दैट इज़ द लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये नेचुरल प्रोडक्ट है, दिस इज़ नॉट एट ऑल लाइक केमिकल वाला। और जो नेहा मेहंदी है उसका मतलब रिजल्ट भी मुझे लाइक ठीक ठाक लगा, तो ओके। सो ये सारी चीज़ें हैं जो इसकी पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आपको
हिना के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं अच्छा ब्रांड, तो आई थिंक नेहा इज़ द वन, लाइक यू कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट ऑन योर हेयर्स. अगर आप ऑलरेडी हिना यूज़ करते हैं या अगर सोच रहे हैं कि मैं कौन सी मेहंदी यूज़ करूँ, यू कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट, दैट इज़ लाइक वेरी गुड फॉर लाइक एप्लीकेशन. शायद मेरे थोड़े से एप्लीकेशन में भी कमी रह गई होगी, दैट्स वाई थोड़े बहुत बाल जो हैं वो वाइट ही रह गए हैं, बट मोस्ट उसने कवर कर लिया है. आई एम नॉट दैट डिसअपॉइंटेड जितना मैं खादी से थी, उसने कुछ नहीं किया था. तो येस, ये सब इसके प्रॉस थे. कॉन्स की अगर बात करें, आई एम पर्सनली नॉट फैन ऑफ हिना, क्योंकि इसको अप्लाई करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, इसको रिमूव करना उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है. द सेकेंड थिंग इज़ इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, आपको अप्लाई करके 3 से 4 घंटे अप्रॉक्सीमेटली वेट करना पड़ता है, देन फिर रिमूव करने में भी काफ़ी टाइम लगता है. तो इट्स नॉट, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, दैट आई कैन से. और सो अगर लेकिन आपको इन सब चीज़ों से कोई, और या कलर ऑब्वियसली दैट विल ऑल्सो कम इन कॉन्स, कि आपको नेचुरल कलर नहीं मिलता, बट आई विल नॉट से दैट इज़ अ कॉन्स, बिकॉज यू नो कि हिना का यही कलर है. तो अगर आप हिना यूज़ कर रहे हैं तो आपके माइंड में होना चाहिए कि यही कलर आएगा, वो ब्लैक कलर नहीं करेगा. तो आई विल नॉट कंसिडर दिस एज अ कॉन्स. तो येस, दिस इज़ अबाउट दिस हिना प्रोडक्ट, नेहा का जो ये विच इज़ हर्बल मेहंदी जो आपका कलर है, वो इसका ये था अबाउट रिव्यू. आई होप इशारिया आपको ये हेल्पफुल लगा होगा वीडियो, क्योंकि स्पेशली मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाया था. तो दिस इज़ अबाउट, अब मुझे काफ़ी कुछ देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे कलर्स ऑरेंज हो चुके हैं, जो मुझे पर्सनली मेरे फेवरेट नहीं है अपने हेयर्स पे, बट या इट्स ओके, आपके लिए कुछ भी शालिया. तो यस, दिस इज़ अबाउट माय वीडियो टुडे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर आया है तो प्लीज़ डू लाइक टू माय वीडियो, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा. सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय.